हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं FLN अंकुर वर्कबुक गणित कक्षा 3 का पाठ 2 सप्ताह 7 एवं 8, जिसमें हम बताएंगे संख्याओं की उछल कूद। तो ठीक है बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। ओके बच्चों, और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आप किस क्षेत्र से मेरे वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पार्ट 2 संख्याओं की उछल कूद, यानी कि सप्ताह 7 और 8। इसका अपन पहला दिवस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को पढ़कर संख्या को शब्दों में लिखिए, जैसे 99, 107, 121, 127, इनको अपन को शब्दों में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 है, 3 कदम आगे कूदिए, 103 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, तो 106 आएगा, 7, 8, 9, 3 कदम में 9। इस तरीके से आपको 3 का पहाड़ा लगाते हुए 127 तक पहुंचना है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, 5 कदम आगे कूदिए, 130 के बाद 35, 40, 5 का पहाड़ा जोड़ते जाएंगे और इसको लिखते जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 10 कदम आगे कूदिए, तो 48, 58, मतलब 148 में 10 जोड़े तो 158 होगा, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। और पांचवा क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के ठीक आगे की संख्या सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है, जैसे कि 109 के बाद क्या आता है, 110, 117 के बाद क्या आता है, 118, इस तरीके से आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, उनके ठीक पहले आने वाली संख्याओं को बॉक्स में लिखिए, तो पहले की लिखनी है, जैसे 200 के पहले क्या आता है, 199, 174 के पहले क्या आता है, 173, इस तरीके से आपको लिखना है। अब दिवस 2 में देखिए, नीचे एक तालिका दी गई है, तालिका में लिखी संख्याओं को देखकर बताइए कि कौन सी संख्याएं 200 और 500 के बीच में हैं, उन्हें नीचे के खाली बॉक्स में लिखिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ संख्या दी हुई है, इसमें अपन को जो 200 से 500 के बीच की संख्याएं हैं उन पे अपन को गोले लगाना है, और फिर जो नीचे खाली बॉक्स है उसमें आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, संख्याओं को सही क्रम में लिखिए, तो अपन ने बढ़ते क्रम में लिख दिया है उनको। अब है 10 कदम आगे कूदिए, तो 300 के आगे 10 कदम, 310, फिर 10 कदम 20, इस तरीके से 10-10 बढ़ाते जाएंगे। और बी वाले में 10 कदम पीछे कूदिए, तो 90 से बाद क्या आता है, 80, 80 के पहले 70, इस तरीके से आपको पीछे चलना है। ठीक है बच्चों, अब अपन दिवस 3 में देखते हैं, नीचे दी गई संख्याओं के बीच की संख्या लिखनी है, इसमें जैसे 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, इसी तरीके से 99 के बाद 100 आता है, 100 के बाद 101 आता है, तो इस तरीके से आपको बीच की संख्या लिखनी है। अब प्रश्न नंबर 2 है, दी गई संख्या के ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखना है, तो इसमें ठीक पहले की लिखना है और बाद की लिखना है, जैसे 2 के पहले 1 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इस तरीके से 279 के बाद 280 आता है और उसके पहले 278 आता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 10, 100, 150, 200, मतलब यहाँ पे 50-50 के अंतर से अपन को ये खाली स्थान भरना है। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं दिवस 5, नीचे कुछ संख्या काट को मिलाकर एक संख्या बनती है, उस संख्या को अंकों व शब्दों में लिखना है, जैसे यहाँ संख्या काट दिए हैं, 100-100 के 3, 10-10 के 3 और 1-1 के 2, तो इनको मिलाने से बनता है 332, इसी तरीके से आपको सबको जोड़ के लिखना है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब दिवस 6 पे आइए, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, 279, 345, इस तरीके से इनको शब्दों में लिखना है, फिर 300 से बड़ी एवं 400 से छोटी कोई 2 संख्याएँ लिखिए, तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख लीजिए, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है और दी गई संख्याओं को बीच की संख्या लिखनी है, जैसे 299 के बाद 300, फिर 301, दी गई संख्या के ठीक आगे व पीछे की संख्या लिखना है, फिर दी गई संख्या की 10-10 अधिक संख्याएं लिखनी है, जैसे 323 में 10 जोड़े तो 33 हो गए,
फिर 10 जोड़े तो 43 हो गए। इस तरीके से आपको जोड़ते हुए लिखना है। अब वो क्वेश्चन आगे का देखिए, दी गई संख्या को संख्या कार्ड द्वारा दर्शाया गया है, इसी प्रकार दूसरी संख्या को संख्या कार्ड में दर्शाइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखिए कैसे करना है। अब अपन देखेंगे सप्ताह 7 का छठवां दिवस, संख्या 403 को संख्या कार्ड द्वारा दर्शाइए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब है प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए नोटों के लिए संख्या लिखिए। तो यहाँ कितने नोट हैं आपको लिखना है। 100-100 के 4 हैं और 10-10 के 3 हैं, तो आप लिख सकते हैं 430। अब ये इस तरीके से आपको सप्ताह 7 पूरा हो गया। अब सप्ताह 8 है, उसमें भी संख्याओं की उछल कूदी है। शब्दों में लिखी संख्या को पढ़िए और अंकों में लिखी सही संख्या पर घेरा लगाइए। 204, 69, 211, 12, इनमें अपन को घेरा लगाना है। मैं लगाना भूल गई हूँ इसमें। चलो खाली स्थान भरिए। संख्या 157 तो इसको शब्दों में लिखना है और 418 को अंकों में लिखना है। इस तरीके से सारे आपको करना है। अब आइए आगे, नीचे दिए गए चार्ट में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। ये 901 से और 1000 तक की गिनतियां हैं। इनमें जो जो अंक छूट गए हैं वो आपको पूरे लिखना है। जो आपको नहीं आए तो आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अंकित कर दिए। अब देखिए दिवस 2 में, शब्दों में लिखी गई संख्या को पढ़िए और उनके सामने संख्या को अंकों में लिखना है। जैसे 1001 है तो उसको अंकों में लिखना है, 768 को भी अंकों में लिखना है। इस तरीके से पूरे अपन को अंकों में लिखना है। अब छूटी हुई संख्याएं लिखिए, 100, 200, फिर उसके बाद खाली स्थान है, फिर 400, तो क्या आएगा 100, 200, 300। इस तरीके से आपको रिक्त स्थान पूरे फिलअप करना है। अब दिवस 3 देखिए, 3 अंकों से बनी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखना है, जिनके इकाई व दहाई दोनों स्थानों पर 5 हो। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है 555, 755, 655, इकाई दहाई इनके दोनों अंक एक ही हैं। 3 अंकों से बनी ऐसी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखिए, जिसके सैकड़े तथा दहाई के स्थान पर 8 हो। देखिए आप, देखने से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। आगे चलिए, 3 अंकों से बनी ऐसी 5 संख्याएं दिए गए बॉक्स में लिखिए, जिनके सैकड़े दहाई तथा इकाई के अंक एक जैसे हों। तो जैसे 333, यहाँ पर देखो सैकड़ा, दहाई, इकाई सब में 3 आ रहा है। इसी तरीके से आपको 5 अंक लिखना है, 5 संख्याएं लिखनी है। अब दिवस 4 देखिए, नीचे दिए गए अंकों में 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखना है, अंकों का दोहराए बिना। मतलब ऐसी संख्या लिखनी है कि अंक दोबारा ना आए। अब आगे चलिए, सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो इन संख्या में जो सबसे छोटी है उस पर घेरा लगाना है, और फिर बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए, तो बड़ी संख्या पर लगाना है इसमें। अब दिवस 5 में देखिए, नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो लगा दिया है मैंने, नीचे लिखी संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 674, तो उस पर घेरा लगाया है मैंने। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। दी गई संख्या के पहले व बाद की संख्या लिखिए। तो 100 के पहले क्या आता है, 99, और बाद में क्या आता है, 101। इस तरीके से 899 के बाद 900 आता है और पहले 98 आता है। इस तरीके से आपका ये दिवस 4 भी पूरा होता है। अब अपन दिवस 6 देखेंगे, संख्या 603 पर घेरा लगाइए। 603 पर घेरा अपन को लगाना है, तो मैंने यहाँ पे लगाया है, देखिए आप। और है दूसरा है, 10-10 के अंतर में छूटी हुई संख्याओं को लिखिए। तो 10-10 के अंतर करना है, जैसे 2 के बाद 10 जोड़े तो 12 आए, 12 में 10 जोड़े तो 22 आए। इस तरीके से अपन को ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में, 100-100 के अंतर से छूटी हुई संख्या लिखनी है, तो 100-100 के अंतर से लिखना है। संख्या 903 को अंकों में लिखिए, तो 903 को मैंने लिख दिया है 3। और 3 अंकों से बनी कोई 2 संख्या लिखिए, जिनके दहाई अंक अलग अलग हों। दहाई अंक अलग अलग होना चाहिए उनके, जैसे इसमें 525 तो 2 है और इसमें 484 तो 8 है। 3 अंकों की कोई 2 संख्याएं लिखिए, जिनके सभी अंक अलग अलग हों, 426, 356। इसी तरीके 190 से
बनी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 901। सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए, 479 पे मैंने घेरा लगाया। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसके सभी अंक अलग अलग हों, और तीन अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए जिसे 999 और 100, 999 सबसे बड़ी है और 100 सबसे छोटी है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा होता है। दो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं पार्ट तीन में। कुछ लेना कुछ देना, ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।